तूने अपनी कुदरत हमें दिखाई, अब अपनी मेहरबानी भी दिखा दे। बस ये लफ्ज मुंह से निकलना था कि मेहरबानी भी दिखा दे, तो जो मौज जहां थी वो वहीं सो गई, वो दोबारा उठ नहीं सकी, और समंदर ऐसे हो गया जैसे तेल का प्याला। सार अल बहर कानहु कद हुज़ैतन, उसकी जो हल्की हल्की मौजें हैं वो भी खत्म हो गई, और पानी ऐसे हो गया जैसे तेल होता है। ये तकवे के लिबास पर मिलता है, लिबास तकवा ذلك خير। तो एक रोजा इसका सबब है, इस लिबास को बनाया किसने? अब इसके साथ एक और आयत हम जोड़ते हैं। अंबिया कहते हैं इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं अमानतदार। एक तो ये आम तर्जुमा है नासे का, मैं एक दफा अरबी डिक्शनरी देख रहा था, नासे का एक तर्जुमा दर्जी का भी है, दर्जी को भी नासे कहते हैं, दर्जी को भी नासे कहते हैं। नसीहत का मतलब है सीना परोना, सीने को नसीहत कहते हैं, और दर्जी को नासे कहते हैं, और सूरी को मिनसा कहते हैं। तौबतन नसूहा, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि तुम अल्लाह के साथ सिल जाओ, जुड़ जाओ, अल्लाह की शरीयत के धागे के साथ, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तुम ऐसे जुड़ो अपने रब के साथ जैसे कपड़ा कपड़े से जुड़ जाता है धागे की सिलाई के जरिए से। ऐसी तौबा करो कि तुम अपने रब के साथ जुड़ जाओ जिसमें कोई फटन ना हो, शगाफ ना हो। तो नासे कहते हैं दर्जी को, तकवे को कहा गया लिबास। तो 1,25,000 नबी दर्जी थे जिन्होंने तकवे का लिबास सीसी के लोगों को पहनाया। ये 1,25,000 नबियों ने काम किया, जैसे दर्जी के बगैर हमारी हैसियत जीरो हो जाती, ऐसे ही नबियों के बगैर इंसान की हैसियत सिफर हो जाती। तो नबियों ने अमीर, ये दर्जी तो पैसे लेता नहीं, मैं 1,000 रुपए लूंगा आपको जोड़ा सीकर। नबी ने कहा अमीर नहीं नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, हम अमानतदार हैं, हम तुम्हें सीकर पहनाएंगे तुम, और अपना मुआवजा अल्लाह ताला से लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। 1,25,000 नबियों के सरदार आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर आकर नबूवत खत्म हो गई। अब ये तकवे का लिबास तो तारिक जमील की जरूरत है, उसने तो पैदा होना है 1400 साल के बाद, ये तो तारिक वानी की जरूरत है, उसने पैदा होना है 1400 साल के बाद। नबियों को 1431 हिजरी चल रही है, तो उनको तो गए हुए 1400 साल हो गए, अब ये कौन सिएगा और कौन पहनाएगा? मैं लिबास को बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप लिबास की अहमियत को तो जानते हैं, इसके जरिए से आप तकवे की अहमियत को जान सकें कि अल्लाह ने क्यों कहा है तकवे का लिबास, तकवे का लिबास, इसको लिबास से क्यों तशबीह दी कि इंसान की शख्सियत को निखारने वाला लिबास, और उसमें दर्जी का जितना अच्छा कोई कपड़ा सीता है उतना ज्यादा वो पैसे लेता है। तो नासे अरबी जुबान में दर्जी को भी कहते हैं। तो 1,25,000 नबी दर्जी बने जिन्होंने तकवे का लिबास सिया और उम्मत को और इंसानियत को पहनाया। अब मेरे नबी तो 1400 साल पहले चले गए, 1421 साल हो गया आपको हमसे जुदा, 31 तो हिजरी है ना, आप तो 11 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ है, तो 1420 साल हो चुके हैं हमारे नबी को हमसे जुदा हुए। तो इस दौरान ये तकवे का लिबास कौन सिए और लोगों को नंगेपन से बचाए और उनकी रूहों को अल्लाह के सामने रुस्वा होने से बचाए कि मैं नंगे बदन लोगों के सामने रुस्वा हूं, मैं नंगी रूह के साथ अल्लाह के सामने रुस्वा। गलास्तों का ढेर है और अल्लाह तो वही देखता है, जिस्म तो मिट्टी हो जाएगा, जब मर जाएंगे तो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन रूह सलामत निकलेगी। जब वो निकलेगी तो अल्लाह की तरफ से पर नंगी है या कपड़ों में है, खुशबूदार है या बदबूदार है? जब नेक आदमी मरता है तो उसकी रूह की खुशबू फैलती सारी दुनिया, जब बदकार आदमी मरता है तो उसकी रूह की बदबू फैलती सारी दुनिया। तो अब एक हदीस इसके साथ मैं जोड़ता हूं जिससे पता चलेगा कि अब ये तकवे का लिबास सीना किसकी जिम्मेदारी है, अब कौन जिम्मेदार है कि वो तकवे का लिबास तैयार करे और लोगों को पहनाए। तो एक हदीस इसके साथ मैं जोड़ता हूँ, कुरान की आयत आई इन्नी लकुम नासे, नबी ने कहा मैं दर्जी हूँ, मैं दर्जी हूँ,
मैं तकवे का लिबास सीता हूँ और तुम्हें पहनाता हूँ। तुम मेरा तैयार करदा लिबास पहनो, तुम अल्लाह के दरबार में बड़ी खूबसूरत पोशाक में उठाए जाओगे। अब एक हदीस है इसके साथ जुड़, अद्दीनुन नसीहा, अद्दीनुन नसीहा। मेरे नबी ने फरमाया मेरा ये दीन नसीहत है। नसीहत का आम तर्जमा खैर खाई, भला चलना, और नसीहत का बद्दू की जुबान में तर्जमा, बद्दू की जुबान में तर्जमा, खालिस अरबी में तर्जमा क्या है कि दीन सीना परोना है, दीन कढ़ाई सिलाई है। अन्नसीहा सुई हाथ में है और कुछ सी रहा है। और अद्दीन का लफ्ज है अद्दीन, जितने आप बैठे हो आप दीनदार हो ना, दीनदार हो ना, बेदीन तो नहीं हो ना। चाहे हम, हाँ हम कमजोर हैं लेकिन है तो दीनदार, कि हम एक दीन को मानते हैं। दुकानदार, इतनी दुकान वाला भी, इतनी दुकान वाला भी, दुकानदार तो दीनदार। अद्दीन अलिफ लाम लगा, अलिफ लाम लगा और सारी उम्मत उसके लपेट में आ गई, तारिक जमील में आ गया और अलिफ भी आ गया, बे भी आ गया, ते भी आ गया, से भी आ गया, सारे उसमें आ गए। अद्दीनु अन्नसीहा, दीन खैर खाही, आम तर्जमा जो किताबों में लिखा हुआ है, जो तर्जमा मैं करके आपको बता रहा हूं। अद्दीन, दीन क्या है? सीना परोना, सीना परोना। क्या सीना परोना है? तकवे का लिबास सीना है और लोगों को पहनाना है और खुद भी पहनना है। अगर मैं तो बोनेंजा का डीलर हूं, मेरे पास कहां टाइम है कि मैं तकवे का लिबास तैयार करूं? मैंने तो लोहा बेचना है, मेरे पास टाइम कहां है कि मैं जाके तकवे का लिबास तैयार करूं? तो इसलिए अलिफ लाम, अलिफ लाम के साथ अल्लाह ने जकड़ लिया ऐसे कि कोई निकल नहीं सकता। अलिफ लाम ने ऐसे घेरे में लिया, और मेरे नबी को पता था आगे चल के मेरी उम्मत मेरा काम फुला देगी, तो ऐसे बोल बोल कर गए, ऐसी नसीहतें करके गए, ऐसे कानून बना कर गए कि कोई उससे निकल ना सके, करे ना करे अब उसकी मर्जी। तो अब ये तकवे का लिबास किसने तैयार करना है? तो अद्दीनो अन्नसीहतु, ये दीन क्या है? तारिक जमील का दीन और आप सबका दीन और घर की औरतों का दीन और बाजार वालों का दीन और ताजरों का, जमींदारों का, काश्तकारों का, सियासतदानों का, बादशाहों का, अमीर और गरीब का, मेहतर और कहतर का, ये सब का दीन क्या है? ये सीना परोना। सीना परोना किस चीज का है? तकवे का लिबास सीना है, और फिर खुद भी पहनना है और सारी दुनिया को पहनाना है। जो एक अरब मुसलमान है कुछ चीथड़े लिए फिरते हैं, लेकिन चार अरब तो बिल्कुल नंगे हैं, उन पर कौन रहम खाएगा? यहाँ कोई दीवाना नंगा आ जाए तो हम उसकी रोटी के पीछे नहीं भागेंगे, फौरन उसके ऊपर चादर डालेंगे कि भाई इसका सतर ढांपो, सतर ढांपो, ये नंगा है, इसका सतर ढांपो। चार अरब नंगे इंसान, उनकी रूहों में नंग के कुछ, और एक अरब के पास चीथड़े हैं, फटे पुराने पहने हुए हैं। ये सारा लिबास बदलना और चार अरब को भी वो लिबास पहनाना और खुद भी और अपनी महबूब की उम्मत को भी ये लिबास पहनाना, अद्दीन अन्नसीहा, ये इस उम्मत के जिम्मे है कि ये तकवे का लिबास तैयार करे। इसका रॉ मटेरियल मिल जाएगा रोजे से, रोजे से धागा मिल जाएगा आपको, काफी धागा मिल जाएगा। अब इसको मशीनों पर चढ़ा के कपड़ा, तबलीग की मशीन पर चढ़ा दो, इससे कपड़ा बनना शुरू हो जाएगा। ये इस कपड़े से लिबास तैयार करो और एक 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 को पहनाओ, आप क्यामत के दिन नबियों के साथ खड़े किए जाओ। यहाँ की शान तो मिट जाने वाली शान, यहाँ की इज्जत तो मिट जाने वाली इज्जत, यहाँ का धन दौलत तो आरजी है, आना जाना लगा हुआ है, कोई आता है कोई जाता है, ये आना जाना लगा हुआ है, लेकिन ऐसा काम करके मरे कि अल्लाह नबियों के साथ खड़ा कर। तो रोजा हमें रॉ मटेरियल देता है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजा रखो। और फिर एक और अजीब बात, हर अमल की जजा कुछ ना कुछ अल्लाह ने रखी है, बेशुमार रखी है, लेकिन रोजे की जजा अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, रोजा मेरे लिए है कि कौन भूखा पैसा रहता है, मैं अंदर जाके पानी पी लू आपको क्या पता, तो कौन नहाते हुए होंठ बंद कर रहा है कि कहीं पानी अंदर ना चले जाए,
नहा रहा है रोजे वाला, और होंठ बंद किए हुए कि कहीं कोई पानी का खतरा अंदर ना जाए।